छात्रों में सबसे पहले बात करते हैं दीपोत्सव के पर्व दीपावली की। 4 नवंबर के दिन दीपोत्सव का पर्व दीपावली पूरे जनपद में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने जमकर पटाखे चलाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से जमकर तानपुर किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। दीपावली के पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बेसब्री से पर्व का इंतजार था। आखिरकार 4 नवंबर के दिन उस पर्व को जनपद भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रोशनी का महापर्व कहे जाने वाले दीपावली के पर्व की शुरुआत पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने पुलिस लाइन में बनी भगवान राम के मंदिर में पूजा अर्चना करके की थी, जिसके बाद मुहूर्त के तहत सभी लोगों ने सबसे पहले अपने घरों और अपने प्रतिष्ठानों में पूजा अर्चना की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दीपोत्सव के पर्व की तैयारी और पूजा अर्चना का दौर चलता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद फिर रोशनी के पर्व में 4 चांद लगाते हुए लोगों ने जमकर पटाखे चलाए और बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मन पूरी तरीके से रंगों से सराबोर था। पटाखों की आवाज और फुलझड़ियों की चकाचौंध रोशनी से आसमान में सतरंगी रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसके चलते देर रात तक जनपद भर में दीपोत्सव पर्व चलता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक की ओर से ही वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों के साथ दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। पुलिस अधीक्षक के साथ अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर और शहर कोतवाल की भी मौजूदगी रही। सभी लोगों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर सबसे पहले सभी वृद्धों को मिठाई और फल आदि दिए, जिसके बाद पटाखे चलाकर सभी अधिकारियों की ओर से दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ऐसी ही तस्वीरें क्षेत्र से भी सामने आई हैं। यहाँ क्षेत्र अधिकारी भोगाव अमर बहादुर सिंह की ओर से क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों, महिलाओं, बच्चों को मिष्ठान, फल, मोमबत्ती एवं मिट्टी के दीपक आदि सामग्री वितरित कर खुशियों का पर्व मनाया गया। पर्व की शुभकामनाएं दी गयी व जिलाधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय मैनपुरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अस्पताल की साफ सफाई तथा मरीजों के उपचार व्यवस्था एवं उनके दवाओं की सुलभता हेतु संबंधित को दिशा निर्देश देकर फलों का वितरण किया गया।